हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आज आप लोग बताओ कि आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि फाइनली अपना जो GoPro का एडेप्टर है एक्सटर्नल माइक के लिए, वो मेरे पास आ गया है और वही लगा के आप देख रहे हो। GoPro से कर रहा हूँ इस समय मैं शूट और वही मैंने माइक लगा रखा है। अब आवाज़ कैसी है वो ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत उम्मीद है। ट्राई किया उसमें तो ठीक ठाक आ रही थी, लेकिन बाद में कैसी आती है। आज मैं एक और फैमिली के मेम्बर से आज आपको मिलाता हूँ, और वो है हमारा ये बॉक्सर। हाँ, हाय करो, हाय बॉक्सर, हाय करो। अच्छा, हाय करेगा। अच्छा, तो ये हमारा बॉक्सर। बॉक्सर ब्रीड नहीं है, नाम बॉक्सर है, लेकिन वैसे ब्रीड रॉटवाइलर है, बहुत जानते होंगे आप लोग। तो ये तो चलो एक तरफ हुआ। अब बात आती है आज के टॉपिक पे, कि जो हमारा, कई लोग कह रहे हैं कि एसी चलती गाड़ी में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं रात को एसी चला के सो गया, ठीक है। तो अब बहुत लोगों ने ये पूछा है कि चलती गाड़ी में एसी चलाते हैं तो कितना जो हमारा तेल लगता है, मतलब एवरेज क्या देती है गाड़ी। तो अब ये सवाल जो ऐसा है, ये अपने आप में एक आधा अधूरा सवाल है, या फिर अगर सवाल पूरा हम कह दें तो इसका जो जवाब है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर जाता है। जैसे मैंने एक देख भी रखा है एक वीडियो, तो क्योंकि हम जैसे अगर गाड़ी सड़क पर चला रहे हैं तो तब तो भाई कितना लोड है गाड़ी में, कौन से गियर पर चला रहे हैं, चलाने का तरीका, ये सारी चीज़ों पर माइलेज हमारा डिपेंड करता है। लेकिन जब बात आ जाती है खड़ी गाड़ी में, तो उसमें लोग सोचेंगे इसमें क्या डिपेंड कर रहा है, इसमें कौन से फैक्टर आ गए भाई, कि कई फैक्टर पे अलग अलग माइलेज देगा, और ये बिल्कुल देगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ, सबसे बेसिक प्रिंसिपल, कोई भी इंजन हुआ या कोई भी मशीन हुई, उसकी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम रहती है हमारी। कब मैक्सिमम रहती है? वो मैक्सिमम हमारी रहती है उसके जो टेम्परेचर है, वर्किंग टेम्परेचर। उस पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा उस मशीन का, उतनी ही उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। अब आप इस चीज़ से समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब ये है, इंजन का आपके टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका जो माइलेज है वो कम हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा वो तेल पीने लगेगी। तो अब वहाँ पर कैसे ये फैक्टर लग रहा है, तो मैं बताता हूँ। देखिए, अगर अलग अलग फैक्टर मैं गिना देता हूँ आपको एक एक करके। सपोज़ मैंने गाड़ी अपनी खड़ी करी, मैंने सेल्फ लिया और मैं गाड़ी में आराम करने लगा, ये गाड़ी चलती है, चली हुई है, इंजन ऑन है, एसी चल रहा है। तब अगर एक घंटा, मैं एक ही घंटा सबका एग्जांपल लूँगा, एक घंटा गाड़ी खड़ी है, मैं उसके अंदर बैठा हूँ, और जो वक्त है वो है दोपहर का। दोपहर के वक्त में गाड़ी जो है वो उसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, क्योंकि धूप है, गर्मियाँ हैं, तो बढ़ेगा। सर्दियों में उसका टेम्परेचर कम रहेगा, आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि ये मोटी सी बात है, गर्मियों में ज़्यादा हीट होता है, सर्दियों में कम होता है। वही चीज़ जो हमारा, आप जानते हैं, रेडिएटर होता है, उसमें कूलिंग के लिए इंजन को, वो रेडिएटर सिर्फ कूलिंग नहीं करता, सिर्फ रेडिएटर कूलिंग नहीं करता, साथ में आपको ग्रिल और नीचे बम्पर के वहाँ जो गैप दिखता है, एयर डैम बना हुआ होता है वहाँ, तो दो तरह से कूलिंग होती है, एक हमारी लिक्विड कूलिंग जो हमारा कूलेंट चल रहा है वो, और साथ के साथ जो हवा लगती है गाड़ी जब चल रही है हमारी, तो जो हवा लग रही है साथ के साथ वो, तो दोनों तरह की कूलिंग मिलके जो गाड़ी का टेम्परेचर है, इंजन का टेम्परेचर है, उसे मेंटेन करते हैं। अब कूलेंट तो चल रहा है, लेकिन जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तो उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रही, जो गाड़ी आगे मोशन करती है और फ्रेश एयर नहीं मिल रही, इससे क्या होगा, इससे उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। एक और चीज़, अगर आप खुले में गाड़ी खड़ी करते हैं जहाँ पर आपको जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो हो रहा है अच्छे से, तब आपको अलग जो माइलेज है वो मिलेगा खड़ी गाड़ी में। और वहीं आप जब गाड़ी आपने किसी बेसमेंट में खड़ी कर रखी, बेसमेंट की पार्किंग में, या फिर गाड़ी किसी घर की ओट पे, ओट मतलब आड़ में खड़ी कर रखी है जहाँ पर हवा का क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर बढ़ जाएगा और माइलेज कम मिलेगा। अब एक और चीज़ है, जब भी आपकी गाड़ी हीट हो जाती है, काफ़ी देर अगर चल गई, एक घंटा पौना घंटा चल जाती है खड़ी गाड़ी, तब क्या है, गाड़ी इंटेक भी करती है हवा, जो हमारा रेडिएटर को, पंखा चलता है रेडिएटर के आगे, तो वो जब कूलिंग लेता है, हवा लेता है, वो खींचता है और मारता है सीधा ठंडा करने के लिए, तब वो क्या है, बाहर की तो हवा ले रहा है, लेकिन जब हमारी गाड़ी खड़ी रहती है तो हीट जनरेट हो रही है उसी जगह पर, जो गाड़ी के आसपास की हवा वो ऑलरेडी बहुत गर्म हो जाती है, उसे फ्रेश हवा नहीं मिल पा रही, ऑलरेडी इतनी गर्म हो जाती है, उसकी वजह से वो गर्म ही हवा उस पर मारने लगता है और कूलिंग नहीं हो पाती। तो ये आप कई सारे फैक्टर, उसमें ये नहीं है आप चाहे तीन लोग बिठाओ गाड़ी में, चार बिठाओ, पाँच बिठाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क किससे पड़ेगा, आपने खुले एनवायरनमेंट में खड़ी कर रखी है गाड़ी या नहीं, हवा कैसी चल रही है खड़ी गाड़ी में, या फिर मौसम कैसा हो रहा है, ठंड है या क्या है, दिन है या रात है,
इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर रात में आपने गाड़ी खड़ी, अगर लाइटें जला दी, क्यों? क्योंकि लाइटें जब जल जाएंगी आपकी, तब वो भी एक लोड लेता है, लाइट्स भी हमारी लोड ले रही हैं और वो अल्टरनेटर के थ्रू ही जा रहा है। अल्टरनेटर कहाँ से लोड ले रहा है? वो हमारे इंजन से ले रहा है। और वही चीज़ जब भी टेम्परेचर गाड़ी का वर्किंग टेम्परेचर बढ़ जाता है, धूप वगैरह है, तो आपका जो फ़ैन है, फ़ैन ज़्यादा चलेगा। और फ़ैन ज़्यादा चलेगा तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो कहाँ से लेगा? इंजन से लेगा। अब वहीं अगर गाड़ी का टेम्परेचर कम हो रहा है, बरसात हो रही है या फिर रात हो रही है, खड़ी गाड़ी में आपने देखा होगा फ़ैन ऑन ऑफ होता रहता है, वहाँ पर क्या, वहाँ पर इंजन को ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए। गाड़ी अंदर टेम्परेचर ले चुकी है अपना, जो एसी का टेम्परेचर आपने डेडिकेटेड किया है उसमें, वो ले चुकी है। अब उसके बाद जो हमारा कंप्रेसर है वो ऑन ऑफ हो रहा है। कंप्रेसर ऑन ऑफ होगा, उसके साथ साथ जो हमारा रेडिएटर का फ़ैन है वो भी ऑन ऑफ होगा, क्योंकि उसी के साथ ऑन होता है। तो इसमें जो एफिशिएंसी है बहुत बढ़ जाती है। अब ये सारे तो हो गए फैक्टर। अब मैं अगर मोटा मोटा बता दूं आपको कि कितना माइलेज कितनी खड़ी गाड़ी में देती है, तो देखिए हर इंजन है अलग अलग। जितना छोटा इंजन हो जाता है उतना ही ज़्यादा उसका जो आइडल पे एफिशिएंसी, आप जानते ही हैं, 800 सीसी की गाड़ी होगी तो वो आपको माइलेज ज़्यादा देती है, और वहीं अगर 1200 1400 1500 सीसी की गाड़ी होगी तो आपको माइलेज कम देती है। तो वहाँ पर खड़ी गाड़ी में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका 800 सीसी 1000 सीसी का इंजन है, खड़ी गाड़ी में आप उसे चला रहे हैं, तो आपका जो माइलेज है, आपका माइलेज जो है वो अच्छा मिलेगा। और साथ के साथ एक और फैक्टर है जो हमारा एसी होता है। एसी भी सीसी के होते हैं। किसी गाड़ी में 45 सीसी का आ रहा है, किसी गाड़ी में 69 सीसी का, किसी में 80 सीसी का, तो ऐसे ही एसी की भी एक वैल्यू, जैसे आपके घरों में होता है 1.5 टन 2 टन 1 टन, वैसे ही लोड होता है उनका, उसी तरह से एसी की जो हमारी कैपेसिटी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें हो गई एक तरफ। अगर मैं बात करूँ कि जो आपका एसी है खड़ी गाड़ी में कितना लेगा, तो मिनिमम, अगर मैं मिनिमम की बात करूं, तो मिनिमम 1000 सीसी के इंजन, मैं ड्राइवर को ही एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, 1000 सीसी का इंजन अगर अच्छी उसे हवा मिल रही है बाहर से और टेम्परेचर वो नॉर्मल रख रहा है, रात का समय है, ठंडा हो रहा है, तब आपका वो करीब करीब, आप ये समझिए, 1 से 1.25 लीटर के करीब वो लेगा, अगर उसे हवा मिल रही है, अच्छी से कूलिंग मिल रही है। और वहीं अगर गर्मी हो रही है और टेम्परेचर इंजन का काफ़ी बढ़ा जा रहा है, तब वो आपका 1.25 से 2.5 लीटर या 2.75 लीटर तक भी वो कंज्यूम कर सकता है। मैं 1000 सीसी के ही इंजन की बात कर रहा हूँ, ये बात आप ध्यान रखिए, फिक्स नहीं होता। और वहीं मैं 1200 सीसी के करीब आ जाऊँ, तो वो अगर ठंडा मौसम है, बरसात वगैरह है, तो वो आपका, मतलब इसमें जो फ़र्क आएगा वो करीब जो आपका 300 से 350 ml से लेकर 700 से 750 ml तक का डिफरेंस आ जाएगा 1200 सीसी के करीब में। और वहीं 1400-1500 सीसी में आ जाएंगे तो उसका कंजप्शन आप ये समझिए अराउंड, क्योंकि वहाँ पर जो इंजन बड़ा है जिसमें, उस वो ऑब्वियसली गाड़ी भी बड़ी होगी, कैबिन बड़ा होगा, और वहाँ पर जो एसी है, एसी भी हैवी ही लगा होगा, ये सोचने की बात है, बिल्कुल ये फैक्ट है। तो वहाँ पर आप ये समझिए, बड़ी गाड़ी की अगर मैं अर्टिगा की बात कर लूँ, पेट्रोल में 1500 सीसी का इंजन है, तो वहाँ पर खड़ी गाड़ी आपकी अगर अच्छा मौसम है तो आपकी करीब 2.5 लीटर, 1.25 से 2.5 लीटर लेती है, और वैसे करीब 3.75 से 3.5 लीटर तक ले लेती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आपकी गाड़ी खड़े रहने पर कितना माइलेज। अगर कोई आपसे पूछे या आप किसी को बता दें कि मेरी गाड़ी 1.5 लीटर लेती है, 1.75 लीटर, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने सारे फैक्टर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आप समझिए इस चीज़ को। सारा किसी भी तरह का लोड होगा वो इंजन से ही, चाहे इलेक्ट्रिकल लोड हो, चाहे आप गाने भी चला रखें, आप चाहे उसकी हेडलाइट बंद करके स्टीरियो भी बंद कर दें, स्टीरियो कई लोग सिर्फ आवाज़ बंद कर देते हैं, स्टीरियो चल रहा होता है, तो वो भी आपका इंजन पर लोड डाल रहा है, बहुत हल्का डाल रहा होगा लेकिन डाल रहा होगा। और वहीं आप बिल्कुल हवा में खड़ी कर दे खुले माहौल में तो अच्छा होगा, गाड़ी बेसमेंट में लगा रखी होगी पार्किंग में, तो वहाँ पर हीट बढ़ेगी, तो कुल मिला के कूलिंग अच्छी मिलती रहे, टेम्परेचर ठंडा हो, और टेम्परेचर इसी हिसाब से जल्दी भी अचीव कर लेगा जो गाड़ी है और एसी है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली लोड कम लेगा इंजन पे। तो ये सारे फैक्टर्स थे, इन सब पे डिपेंड करता है, ओवरऑल कुल मिला के ये सारी कहानी है। किसी से भी अगर आपकी बहस होती है तो बहस में मत पड़ना, क्योंकि ये हर किसी के उस पे माहौल पे अलग अलग रिज़ल्ट आएगा। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सेटिस्फैक्ट्री लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद। That you never be lonely.